रामचरितमानस में दोहा 33, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरजुन मानही जिनके बिमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिसके विचार निर्मल हैं वे इस कथाओं को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। एही विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी, पुनि सबही बिनौ कर जोरी, करत कथा जेही लागन खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और गुरु के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथाओं की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर सिवही नाई अब माथा, बर न विसद राम गुण गाथा, संबत सो रह सैक तीसा, करहूँ कथा हरी पद धरि सीसा। अब मैं आदरपूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों को निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरण कमल पर सिर रखकर संबत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जेही दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीर्थ सकल तहाँ चलिया वही। चैत्र मास की नौमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करही रघु नायक सेवा, जन्म महोत्सव रचही सुजाना, करही राम कल कीर्ति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी को सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। अगर जी अच्छा लगा होगा रामायण का पाठ तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।